विप्रवर, आपके तीन पग में जो भी समाएगा वो मैं आपको दान देने का ये संकल्प लेता हूँ। क्षमा करें विप्रवर, कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा है, मैं अभी ठीक करता हूं। प्रतीत हो रहा है कुछ अवरोध आ गया है कमंडल में, लाइए अभी ठीक हो जाएगा। तीन भी शूल है मेरे इस लघु रूप के लिए। लीजिए, अवरोध हट गया महाराज बलि। मैं दैत्यराज बलि ये संकल्प लेता हूँ कि आपके तीन पग में जो भी जितना भी समाएगा वो सब आपको प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा, प्रदान करूंगा। अवहेलना करने वाले मूणमति, तुम्हारे इस दान को रोकने के प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा और तुम्हें भी गंवाना पड़ेगा तीनों लोगों को वैभव, संसार के स्वामित्व का ऐश्वर्य छीन जाएगा तुमसे। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी श्राप स्वीकार है गुरुदेव? इन्हें सब देकर भी जो मुझे मिलेगा वो अनमोल है। अब मुझे कुछ भी गंवाना पड़े मुझे कोई दुख नहीं। प्रभु श्री वामन जी ने मात्र तीन पग धरती ही मांगी थी, ऐसा क्या हो गया कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने महाराज बलि को इतना भीषण श्राप दे दिया? हनुमान, कदाचित प्रभु वामन राजा बलि से त्रिलोकों का अधिपत्य नहीं मांगते, क्योंकि तीनों लोगों का शासन राजा बलि ने अपने बल पर प्राप्त किया था, किंतु ईश्वर की लीला हुई और दैत्य गुरु बाध्य हो गए राजा बलि को श्राप देने के लिए। विचित्र है प्रभु की लीला। प्रभु वामन जी ने मात्र तीन पग धरती मांगी थी, फिर कैसे उन्होंने उनसे तीनों लोगों का प्रभुत्व मांग लिया? ये लीला कैसी हुई ये सुनो। राजा बलि ने श्राप तो स्वीकार कर ही लिया था, निराश होकर शुक्राचार्य क्रोधावश वहां से चले गए। तब प्रभु श्री वामन के समक्ष राजा बलि ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती की,
दान प्रक्रिया में इस व्यवधान के कारण जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ विप्रवर। तीन पग के माप में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे मैं सहर्ष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया अपना दान प्राप्त कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। मेरा सब कुछ अर्पण है आपके इन पावन चरणों में। चंद्रा सूर्य प्रचंड अंतरिक्ष ब्रह्मांड अखंड धरती अंबर लोक सब वामन दो पग माय नपे दृश्य हरि ये तरशाए दैत्य राज बलि हर्षाए हरि की लीला हरि जाने तीजा पग हरि के पैथरे। महाराज बलि आपने तीन पग में समाने योग्य वस्तुओं का दान देने का वचन दिया था। प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? बताइए राजन, बताइए कहाँ रखूं मैं अपना तृतीय पग? अब मुझे अन्य कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु अब तो मेरे पास कुछ शेष रहा ही नहीं जो मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकूं, किंतु वचन पूर्ण करना है मुझे। अब मेरे पास जो भी शेष रहा है वो मैं स्वयं ही हूं। अतः आप अपना तृतीय पग, अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखें प्रभु, रखें प्रभु। जय जन्म
सर्वविद्या शेष जगत साक्षी जगत कर्तर जगत गुरु जगतो सर्वकृत देव स्थिति पालयन्तु जय जय शेष जया शेष जयाखिल हृदि स्थित जयादि मध्यांग जय सर्व ज्ञान निधे जय मुमुक्षुभिर् निर्देश स्वयं दृश्य जयेश्वर योगिनां मुक्ति फलद तमादि गुण भूषण जयादि सूक्ष्म दुर्गेय जय स्थूल जगन्मय जय स्थूलादि सूक्ष्मत्वं जयादीन्द्रिय सेन्द्रिय जय स्वमाया योगस्थ शेष भोग शयाक्षर जय एक दंष्ट्रा प्रांताग्र समुद्रत वसुंधर नृकेसरिन जया राति वक्षः स्थल विदारण सांप्रतम जय विश्वात्मन जय वामन केशव सम्राट बनी आपकी उदारता आपकी दानवीरता के कारण आपकी कीर्ति युग युगांतर तक स्थित रहेगी मेरा आशीर्वाद है आपको अब से कल्पान तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहेंगे समस्त ऐश्वर्य एवं वैभव सदैव आपके राज्य में अक्षुण बने रहेंगे मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा और भविष्य में अगले स्वर्ग अधिपति इंद्र का पद आपको प्राप्त होगा आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु धन्य हो गया आपका सदैव कल्याण दैत्य राजबलि इस प्रकार प्रभु श्री नारायण ने वामन अवतार धारण किया अब तुम बताओ हनुमान प्रभु के इस पंचम अवतार की कथा से तुमने क्या सीखा हाँ प्रथम तो ये कि ईश्वर कभी भी किसी के भी प्रति अन्याय नहीं करते उनसे जो लिया उससे भी अधिक उत्तम वरदान दिया यहाँ तक कि इंद्र पद का भी अधिकारी बना दिया हाँ सत्य कहा तुमने हनुमान और द्वितीय द्वितीय ये माता कि कभी भी गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और ये भी गुरुदेव कोई अनुचित कार्य करें तो उन्हें भी गुरु शुक्राचार्य की भांति दंडित होना पड़ता है हाँ जैसे उनके एक नेत्र की ज्योति चली गई थी और अंतिम ये कि दान धर्म निभाने वाले को भी सब गंवा कर बहुत कुछ प्राप्त होता है जैसे राजा बलि ने तीनों लोकों का राज गंवा दिया परंतु उन्हें तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हो गया हाँ पुत्र एक प्रकार से उन्हें स्वयं प्रभु की प्राप्ति हो गई और इससे बड़ी संपदा अन्य कोई हो ही नहीं सकती माता आप जो मुझे ये ज्ञान योग की शिक्षा दे रही हैं, उससे भगवान की विशालता एवं महानता से मेरा परिचय हो रहा है इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा माता अब मुझे शीघ्र बताइए कि प्रभु श्री हरि ने अपना
षष्ठम अवतार कौन सा धारण किया? अवश्य हनुमान, वामन अवतार में प्रभु श्री हरि नारायण शांत एवं सौभ्य ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए थे। षष्ठम अवतार में वे उग्र एवं महान योद्धा के रूप में पृथ्वी पर आए। उग्र एवं महान योद्धा, अरे वाह माता, कौन थे वो महान भक्त योद्धा, शीघ्र बताइए ना। उनका जन्म भी त्रेता युग के मध्य में हुआ था, जब हैं वंशी सहस्त्र भुजाधारी महाराज कार्तिवीर्य का शासन था, जिन्हें अतुलित शक्तियां प्राप्त हुई थी। अपार शक्तियों के स्वामी होने के कारण उन्हें अपने बल पर अभिमान हो गया था और वो अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। देखा मेरी रानियों, तुम्हारे स्वामी छत्रपति सम्राट शस्त्र अर्जुन कार्तिवीर्य की शस्त्र भुजाएं, इस संसार का कोई भी योद्धा इनके आगे पल भर भी नहीं टिक सकता। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानियों। आपकी सेवा में भोजन सामग्री प्रस्तुत है महाराज। सेवकों, यह उचित समय नहीं है यहाँ आने का। मेरे निजी क्षणों में हस्तक्षेप करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम सबको मिलेगा। माता, राजा कार्तवीर्य का अपने सेवकों के प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार तो अनुचित है ना? पुत्र हनुमान, उन दिनों जितने भी राजा थे वे सब शक्ति और सत्ता के अभिमान में चूर होकर अपनी ही प्रजा एवं सेवकों पर अत्याचार कर रहे थे और उन्हीं के अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभु श्री हरि ने ऋषि जंदाग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका के पांचवें पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक ऋषि पुत्र होकर वे एक महान योद्धा कैसे बने माता, और उनको युद्ध कला में किसने निपुण किया? स्वयं प्रभु महादेव ने। उन्हें युद्ध कौशल ही नहीं सिखाया महादेव ने, अपितु अनेक अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए, जिनसे सज्जित होकर वो ऋषि पुत्र महाशक्तिशाली एवं अजय योद्धा बने। कौशल में अपनी दक्षता का प्रमाण दे दिया है। तुम्हारे कुशल हाथों में आते ही समस्त अस्त्र शस्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ
अपने लक्ष्य पर वार करते हुए तुम्हारी इच्छा अनुसार संचालित होते हैं। गुरुदेव, ये मेरी दक्षता नहीं, आपके प्रशिक्षण और आशीर्वाद का फल। तुम्हारी नम्रता प्रशंसनीय है पुत्र। अब तक मैंने तुम्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं, किंतु अब तुम्हारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें वो शस्त्र प्रदान करूंगा जिसे आज तक किसी ने भी शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया है। तुम्हारी पहचान बनेगा ऋषि जमदग्नि पुत्र राम। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। ईश्वर की प्रत्येक लीला में सृष्टि का कल्याण छिपा होता है।